राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सात चोर और नाई की चतुर पत्नी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नाई था, अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके बच्चे तो थे नहीं, दोनों पति पत्नी थे। नाई बड़ा आलसी था और काम करने में उसका मन नहीं लगता था। उसकी पत्नी उसे बड़े ताने दे देकर काम पर भेजती थी। नाई आलसी मन के कारण जो बड़ी मुश्किल से काम पर जाता था। जो भी गिने चुने ग्राहक नाई के पास आते थे, नाई उनके जो बाल काटता तो उनके कान काट देता, और शेविंग करता, दाढ़ी बनाता तो उनके जो गाल को काट देता। इस तरह से नाई से उसके ग्राहक परेशान होने लगे और ग्राहकों ने आना अब उसके पास बंद कर दिया। इधर नाई की पत्नी नाई को खूब खरी खोटी सुनाती कि तुम काम नहीं करते हो, अगर काम नहीं करोगे तो कहाँ से खाएंगे, कैसे गुजारा चलेगा। अब नाई के पास धीरे धीरे ग्राहकों ने आना बंद कर दिया और नाई के घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं रहा। जो जमा पूंजी थी सब खर्च हो गई। अब नाई की पत्नी रोज नाई को ताने सुनाती और कहती कि कुछ कमा के लाओ। नाई कहता, मैं क्या कमा के लाऊं जब ग्राहक आते ही नहीं है। तो उसकी पत्नी कहने लगी, कमा नहीं सकते तो जाकर भीख मांग लाओ, ऐसे कब तक भूखे मरेंगे। नाई कहने लगा, तो अच्छा भाग्यवान तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तब नाई की पत्नी बोली, देखो जी, राजा के यहाँ लड़का पैदा हुआ है और लड़के की खुशी में राजा गरीब लोगों में खैरात बांट रहा है, क्योंकि महल में खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इसलिए आप राजा के पास जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। अब नाई, वही बात नाई पर लागू हो रही थी, मरता क्या नहीं करता। अपनी बीवी से नाई थोड़ा डरता था क्योंकि उसकी बीवी बड़ी तेज तर्रार थी। अब नाई जो राजा के पास गया और राजा से कहा कि वह उसे कुछ दे दे, तो राजा ने उससे कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन नाई को तो इतना दिमाग तो था नहीं कि कुछ मांग ले धन दौलत। लेकिन उसकी बीवी ने भी कुछ नाम लेकर कहा नहीं था, उसने भी कहा था कि कुछ मांग लो। इसलिए नाई ने कहा कि जो भी कुछ दोगे वही मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे कुछ दे दो। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक जमीन का टुकड़ा दे देता हूँ। और नाई ने सोचा कि शायद यही अच्छी चीज होगी, इसलिए नाई को जो जमीन का टुकड़ा देने के लिए राजा ने आदेश जारी कर दिया और उसे शहर के बाहर एक जमीन का टुकड़ा दे दिया। नाई जब खाली हाथ घर आया तो उसकी पत्नी ने नाई से पूछा कि राजा से क्या मांग कर लाए हो। अब नाई ने कहा कि मुझे राजा ने एक जमीन का टुकड़ा दिया है शहर के बाहर। तब नाई की जो पत्नी थी उसने अपना सिर पीट लिया और बोली, क्या तुम खाने के लिए अन्न नहीं ला सकते थे, थोड़ा धन नहीं मांग सकते थे जिससे हमारा गुजारा हो जाता। अब बताओ उस जमीन के टुकड़े का क्या करेंगे, हमारे पास तो हल और बैल भी नहीं है जिससे कि हम कोई खेती कर पाए। लेकिन अब नाई की पत्नी कहने लगी, ठीक है जो भी है। नाई की बीवी नाई के साथ उस जमीन के टुकड़े को देखने गई, लेकिन उसने अपना दिमाग चलाया और नाई से कहने लगी, देखो जी, तुम मेरी नकल करते जाना, जैसे मैं करूं वैसे ही तुम करना। नाई बोला, ठीक है। अब नाई की बीवी उस जमीन पर इधर उधर घूमने लगी जैसे कि कुछ ढूंढ रही हो। जो कोई उसे राहगीर आता जाता दिखाई देता तो उसे देखकर वह चुप बैठ जाती। अब सात चोर चोरी करने जा रहे थे, वो बहुत देर से उन दोनों को देख रहे थे, वो एक झाड़ के पीछे छुपे हुए थे। तभी उनमें से एक चोर उस नाई की बीवी के पास गया और बोला, बहन क्या बात है, तुम बड़ी परेशान नजर आ रही हो। नाई की बीवी बोली, भैया क्या बताऊं, बात ही परेशानी की है। इस खेत में मेरे दादाजी ने एक सोने की मोहरों से भरा हुआ टोकना दबाया था, लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी, यह नहीं पूछ पाई कि कौन सी जगह दबाया था। लेकिन अब मैं उसे देखने आई हूँ तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे दबाया गया होगा।
और उस चोर से बोली, देखो भैया, इसके बारे में किसी को बताना नहीं। और फिर नाई की बीवी अपने पति से बोली, चलो जी, शाम होने को है, सूरज ढलने वाला है, कल मजदूरों को साथ लाएंगे, तब खुदाई करवाएंगे, पता नहीं कहाँ पे दबा हुआ है, तभी मिलेगा वो टोकना। नाई की पत्नी अपने पति के साथ अपने घर लौट आई। उधर रात को सातों चोरों ने मिलकर उस जमीन को कई बार ऐसे खोद डाला जैसे कि कई बार उस पर हल चलाया गया हो। अब नाई की बीवी सुबह नाई के साथ गई तो वह अपनी कामयाबी पर बड़ी खुश हुई और वह घर आकर जो दुकान पर गई और दुकानदार से गेहूं जो उधार लेकर आई और उससे बोली, 3 महीने बाद तुम्हें मैं इसका 3 गुना गेहूं उधार दूंगी और जो चुका दूंगी, जो आप मुझे गेहूं दे रहे हैं इसका 3 गुना करके चुकाऊंगी। अब ना जो दुकानदार था उसने भी इस बात पर उसे गेहूं दे दिया कि 3 महीने बाद 3 गुना गेहूं वापस मिलेगा। उधर नाई की बीवी ने उस खेत में गेहूं बो दिए और उसमें फसल भी उम्मीद से ज़्यादा हुई, काफ़ी गेहूं हुआ। उसने दुकानदार का गेहूं चुका दिया और अपने खाने लायक अनाज उसने अपने घर में भर लिया और बाकी गेहूं बेचकर उसने सोने चांदी के सिक्के खरीद लिए। अब तक उसके सारे कारनामों पर चोरों की पैनी निगाह थी। अब चोर नाई की बीवी के घर आए और उससे कहने लगे कि इस फसल में हमें भी हमारा हिस्सा चाहिए। तो नाई की बीवी बोली, अरे किस चीज़ का हिस्सा चाहिए तुम्हें? तो वो कहने लगे कि उस जमीन को फसल बोने के लायक हमने ही बनाया था। तो नाई की बीवी कहने लगी, देखो मैंने तुमसे कहा था उसमें सोना दबा है और मैंने वो सोना निकाल लिया, तुम्हें नहीं मिला तो ये तुम्हारी गलती है, मुझे मिल गया, मैं लेकर आ गई। तो चोर कहने लगे कि ठीक है, आज की रात संभल के रहना, हम अपना हिस्सा खुद ले लेंगे। नाई की बीवी अब समझ गई कि जरूर इनसे जो कैसे बचना है, वह अपना दिमाग चलाने लगी। तभी उनमें से एक चोर नाई के घर में छिप गया जिसे नाई की बीवी ने देख लिया था। चोर इसलिए छिपा था कि रात को उसके साथी आएंगे तो वह दरवाजा खोल देगा। अब चोरों की धमकी से जो नाई तो बहुत डर गया था, वह अपनी बीवी से कहने लगा, तुमने उन सिक्कों को, सोने के जो सिक्के, कहाँ छुपाया है? तो नाई की बीवी जो चोर को सुनाने के लिए बोली, देखो जी, जब चोर आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा, मैंने अपनी खाट के नीचे खड्डा खोद के एक हंडिया में उन सिक्कों को दबा दिया है और उनके ऊपर एक मिठाई का डिब्बा भी रख दिया है। अब चोर यह सुनकर अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो रहा था। और जब नाई और नाई की बीवी सो गए तो चोर कमरे में से निकला और उसने उनकी खाट के नीचे से वो हंडिया निकाली जहाँ सचमुच में एक हंडिया दबी हुई थी। जब चोर हंडिया लेकर अपने साथियों के साथ पहुँचा तो बोला, उसे अपनी कामयाबी पर बड़ा फक्र हो रहा था, वह बड़ी छाती चौड़ी करके कहने लगा, देखो दोस्तों, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सोने से भरी हुई हंडिया निकाल लाया हूँ। अब और इसमें ना नाई की बीवी कह रही थी कि मिठाइयाँ भी रखी हैं, चलो पहले मिठाइयाँ खा लेते हैं। सातों चोर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। रात का अंधेरा था, उन्हें कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था। अब उन्होंने हंडिया में हाथ डाला और मिठाई समझकर बकरी की मसैंगन को खाने लगे जिससे चोरों को बड़ा बुरा हाल हुआ। अब सारे चोरों का गुस्सा फूट पड़ा, वे नाई की बीवी को सबक सिखाने के लिए दूसरे दिन उसके घर पहुँचे कि अब इस औरत को जो सबक सिखाना पड़ेगा, बड़ी चालाक बनती है। और जब चोर नाई के घर पहुंचे और उनसे अपना हिस्सा मांगने लगे तो नाई की बीवी और नाई ने उनका बड़ा मजाक उड़ाकर खूब उन पर हंसे। तब चोर नाई और उसकी बीवी से बोले कि तुमने हमारा बहुत बेवकूफ बना लिया, अब तुम होशियार रहना। और उनमें से आज दूसरा चोर नाई के घर में छिप गया जिसे नाई की चालाक बीवी ने देख लिया। बाकी चोर वापस आ गए। रात हुई तो नाई अपनी बीवी से कहने लगा कि तुमने उन सोने के सिक्कों का क्या किया? जाहिर सी बात है, तुमने बिस्तर के नीचे तो रखे नहीं होंगे। नाई की बीवी बोली, अजी चिंता मत करो,
उन सोने की मोहरों को तो मैंने बाहर जो नीम का पेड़ है उस पर लटका दिया है उसकी शाखा से, उधर किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। अब अंदर छिपे हुए चोर ने नाई की बीवी की सारी बातें सुन ली। वह जब नाई और नाई की पत्नी सो गए तो दबे पांव घर से बाहर निकला और अपने साथियों से बोला कि मुझे पता चल गया है कि नाई की बीवी ने उन सोने के सिक्कों को कहाँ रखा है। अब सातों चोर मिलकर उस नीम के पेड़ के पास पहुंचे। रात का अंधेरा था, उस पे कुछ लटका हुआ दिखाई दे रहा था। नाई की चतुर बीवी जानती थी कि उस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है, इसलिए पहला चोर जो उस नीम के ऊपर चढ़ गया, उसके चढ़ने से जैसे ही छत्ता हिला तो कई मधुमक्खियों ने उसे पीछे की तरफ काट लिया, तो वह पीछे हाथ मारने लगा। नीचे से साफ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हाथ वह हिलाकर पीछे दिखाई दे रहा था। तो उसके साथी चोर बोले, अरे भाई क्यों सिक्कों को जेबों में भर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। तब फिर यह देखकर उसका दूसरा साथी भी ऊपर चढ़ गया कि पहला साथी सारे सिक्के ना ले ले। दूसरे साथी के चढ़ने से भी छत्ता जो मधुमक्खी का हिल गया, उसने दूसरे साथी को भी काटा तो वह भी कभी आगे कभी पीछे खुजलाने लगा। अब तो जो नीचे खड़े साथियों ने सोचा, दोनों ही सारे सिक्कों को और मोहरों को भर लेंगे तो हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। नीचे से वो चिल्लाने लगे, अरे भाइयों अब तक मिल बांटकर खाते आए हैं, आगे भी ऐसे ही करेंगे, क्यों जेबों में भर रहे हो। अब सारे चोर उस पेड़ पर चढ़ गए और जो चोर सबसे पीछे चढ़ा उसने छत्ते में हाथ मार दिया। अब तो मधुमक्खियों ने उन्हें इतना काटा कि वो बेचारों की बड़ी बुरी हालत हो गई। वो नीचे उतरने के लायक भी नहीं रहे, ऊपर से ही गिरने लगे और गिरते पड़ते जैसे तैसे करके अस्पताल पहुंचे। इधर नाई और नाई की बीवी बड़े खुश थे, उन्होंने सोचा कि चलो अब तो चोरों से हमारा पीछा छूट गया, अब तो वो हमें तंग नहीं करेंगे। लेकिन चार पांच दिन बाद नाई की बीवी ने देखा उसकी खिड़की खुली हुई थी, वहां से कुछ आवाजें आ रही थी। वो चोर नाई की बीवी से बदला लेने के लिए फिर से आ गए थे। अब नाई की चतुर बीवी ने अपने पति का धार वाला उस्त्रा उठाया जो कि बहुत तेज चलता था और वह खिड़की की बराबर में खड़ी हो गई। जैसे ही पहला चोर खिड़की के रास्ते बढ़ने के लिए चला तो नाई की बीवी ने उसकी नाक काट दी। पहला चोर चिल्लाते हुए भागा, अरे यहाँ तो कोई पैनी धारदार चीज है। फिर दूसरा तीसरा ऐसे करके उसने छह चोरों की नाक काट दी। जब छह चोरों की नाक कट गई तो सातवां बोला, भाई मैं आगे नहीं जाऊंगा, कम से कम एक की तो नाक बची रहे। और सातवां उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया जहां जाकर उनकी मलहम पट्टी कराई। अब सातों चोर आपस में बातें करने लगे कि इस चालाक औरत से बल से तो निपटा नहीं जा सकता, इसलिए कुछ युक्ति वो बनाने लगे। अब सातों चोर मिलकर राजा के पास गए और उन्होंने जाकर राजा को सारी बात बताई कि कैसे उस नायन ने जो उनकी नाक काट ली है। उधर जो नाई की पत्नी थी उसने छह चोरों की नाक काटकर उन्हें एक कपड़े में बांधकर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। जब राजा ने अपने सिपाही को भेजकर उस नाई की पत्नी और नाई को दरबार में बुलाया, नाई की पत्नी ने भी चोरों की सारी बात सारी कहानी राजा को बढ़ चढ़कर बताई, जिसे सुनकर राजा खूब हंसा और उसने जो छह की छह नाक भी जो दिखाई कि कैसे उसने चोरों की नाक काट ली थी। अब राजा ने नाई को अपने दरबार में ही उसे काम दे दिया और जो नाई की पत्नी थी उसकी समझदारी और चतुराई के लिए उसे खूब सारा इनाम दिया और उससे कहा, जब भी कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो यह दरबार तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। उधर चोरों को उनकी करने की सजा मिली और राजा ने उन्हें चोरी करने के अपराध में जेल में डाल दिया। एक नाई की चतुर पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर चोरों को अच्छा सबक सिखाया और राजा से इनाम पाया। अब उनके दिन हंसी खुशी सुखपूर्वक बीतने लगे। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।